आपको फेस अनरैप करके बता रहा हूँ। ठीक है ना? तो कैसे होगा ये? तो फेस की जो हमारे पास फाइल है वो मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, ये हमारा फेस आ गया। ठीक है, और इसको अगर मुझे अनरैप करना है इन 3ds Max, तो किस तरीके से इसको अनरैप करेंगे? बहुत ही फटाक से अनरैप होगा। ये कंसेप्ट सेम माया जैसा ही हम लगाएंगे, मैनुअली सीम काटेंगे, फिर इसको प्रॉप सीम को जोड़ेंगे फ्रंट से, फिर रिलैक्स करेंगे और बैक साइड में सीम छोड़ेंगे। ठीक है ना? तो मैं इसके ऊपर फटाफट अनरैप UVW डालता हूँ। ठीक है, ओपन यूवी एडिटर। ठीक है, तो ये देखो उसकी अनरैपिंग है, एकदम डेंजर, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है। इवन मैं इसके चेकर्स भी देखता हूँ तो एकदम खराब आ रहे हैं, यहाँ पे भी व्यूपोर्ट में देखो तो। ठीक है, तो चेकर्स का भी हाल खराब है। हालांकि चेकर्स में मटेरियल वाला ही चढ़ाता हूँ, तो मैं एम प्रेस करता हूँ, एक मटेरियल लेता हूँ, मटेरियल के ऊपर मैं लिख देता हूँ चेकर, और मैप्स में जाके डिफ्यूज कलर में जाके नन पे जाके एज अ बिट सॉरी एज अ प्रोसीड्यूरल मैप एज अ चेकर मैं इसको लेता हूँ। ठीक है, चेकर की टाइलिंग 30x30, 25 to 50 के बीच की जो वैल्यूज होती है वैसी टाइलिंग आप रख सकते हो। कम से कम 25 रखो, ज्यादा से ज्यादा 50, उससे मतलब 25 से कम मत रखना कभी भी टाइलिंग में, और 50 से ज्यादा नहीं। ठीक है ना? वरना बहुत छोटे हो जाते हैं चेकर्स। तो मैं उनके बीच में लगभग 30 रख रहा हूँ। मटेरियल मैंने अप्लाई किया, शो कर दिया स्टैंडर्ड मटेरियल। ठीक है, ये आ गया। ठीक है ना, ओपन यूवी एडिटर पे आया। ठीक है, तो ये चेकर्स मेरे दिख रहे हैं। अब मान लो चेकर्स तो जो हैं खराब हैं ही, क्योंकि उसमें बहुत ही कट्स आ रहे हैं, यहाँ पे डिवाइडेशन हो रहा है पूरा अनरैपिंग में, और ये जो ग्रीन ग्रीन एजेस देख रहे हो दैट मीन्स यही सीम है उसकी। तो यानी देख रहे हो पूरे फेस में ही सीम डली हुई है, कहीं पे भी मतलब प्रॉपर है ही नहीं। ये पूरा फेस इतनी जगह से कट चुका है कि हर जगह पे सीम ही सीम दिखाई दे रही है। तो ये वो अनरैपिंग है जो सॉल्व नहीं है, मतलब जब आप मॉडल करते हो तो मॉडल करते वक्त जो खुद से अनरैपिंग डेवलप्ड होती है बस ये वो है। अब मुझे इसको प्रॉपर मैनुअली खुद से सॉल्व करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो वही मैं फेसेस पे आता हूँ, यानी पॉलीगॉन्स पे। सारा पॉलीगॉन मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, तो ये पॉलीगॉन हमारे सेलेक्ट हो गए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि मुझे सबसे पहले सीम काटनी है। तो एक फेस में अनरैपिंग जो होती है, जैसे मैं आपको गूगल पे भी दिखाता हूँ, फेस अनरैपिंग इन 3ds Max इमेजेस। तो एक फेस की जो सीम होती है वो किस तरीके से होती है, जैसे इस इमेज में भी आप देखोगे, इस इमेज को मैं एज अ सेव करके एज अ डेस्कटॉप पे अभी रख लेता हूँ। ठीक है, तो फेस की सीम कहाँ होती है? जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि फोर हेड से ऊपर का जो पार्ट होता है वो कटता है, तो फोर हेड से लेकर आपके नेक तक का जो पूरा एरिया है वो पूरा जुड़ा हुआ रहता है, जो सेंटर की एज है, मतलब वो सीम में नहीं आती, मतलब वो ब्रेक नहीं रहती, वो जुड़ी भी रहती है, स्टिच रहती है। और ये वाली जो एज है फोर हेड के ऊपर का पूरा बैक साइड, ये पूरा आपकी एज ब्रेक रहती है जो कि सीम जनरेट करती है। ठीक है, तो हर हर फेस इसी टाइप से आप अनरैप करोगे, चाहे वो मेल का हो चाहे फीमेल का हो, चाहे थोड़ा सा कार्टूनिक हो या सेमी रियलिस्टिक हो या हाइपर रियलिस्टिक हो, चाहे वो किसी भी टाइप का कैरेक्टर हो, सबके फेस की जो अनरैपिंग होती है वो इसी टाइप से होगी कि उसकी जो सीम होगी वो फोर हेड से ऊपर की वहां से स्टार्ट होगी, और बाकी का जो एरिया है फोर हेड से नीचे से लेकर आपके नेक तक का, वो पूरा एज क्या होगी, इस प्रॉपर वे में स्टिच होगी, सिली हुई होगी, जुड़ी हुई होगी। ठीक है ना? तो वही हमें करना है। तो मैं 3ds Max ओपन करता हूँ। तो यहाँ तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि भाई मुझे कौन सी एज को पकड़ के
एज अ ब्रेक करना है, कौन से एज को पकड़ के एज अ स्टिच करना है, क्योंकि कोई एज ही नहीं समझ आ रही यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे मैनुअली इसको प्लानर डाल के एटलीस्ट एक शेप देना पड़ेगा, ताकि ये फेस जो है यूवी एडिटर में भी फेस जैसा ही दिखे, क्योंकि अभी तो ये एकदम एज अ वेब मकड़ी का जाला या शेप चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पॉलीगॉन सारे पकड़ के इसको प्लानर डालूंगा, ठीक है, और प्लानर डाल के इसमें से कोई सा भी एक अलाइनमेंट, तो परफेक्ट अलाइनमेंट जेड तो है नहीं है, अभी जेड में आ रहा है, तो आप एक्स ले सकते हो। तो एक्स से क्या हुआ, देखो पूरा फेस एक साइड से दिखाई दे रहा है आपको, साइड व्यू से, ठीक है। तो अब एक्स एकदम सही है, तो एक्स में लेके प्लानर बंद कर दो, एज में आओ, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि जब मैंने सारे पॉलीगॉन सिलेक्ट किए थे और यहाँ पे प्लानर एक्स डाला, तो इस वक्त फेस भले ही किसी एक साइड से दिख रहा हो, वो साइड कौन सा है, वो आपका ये है लेफ्ट साइड, लेकिन यहाँ पे जो अनरैपिंग है वो दोनों साइड की है, लेफ्ट साइड की भी है और राइट साइड की भी है। बस है क्या कि दिख यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट साइड रहा है, तो राइट साइड जैसे इसी के पीछे है, अपोजिट साइड में, क्योंकि ये 2D व्यू है अनरैपिंग, तो यहाँ पे दो साइड एक साथ दिखते नहीं है, वो सिर्फ आप यहाँ 3D व्यू में ही देख सकते हो लेफ्ट और राइट। लेकिन क्योंकि अनरैपिंग हमेशा 2D होती है, इसलिए यहाँ पे आप कोई एक ही साइड देख सकते हो, या तो लेफ्ट या फिर राइट। तो अनरैपिंग आपकी पूरी है यहाँ पे, बस दिख एक ही साइड रहा है। तो यही हमारा मकसद है कि हमें यहाँ पे दोनों साइड दिखाना है, तो मुझे लेफ्ट और राइट पहले अलग अलग करना है। तो मैं इसलिए अब एज पे आऊंगा, ठीक है, मटेरियल में जाके थोड़ी देर के लिए चेकर्स को हाइड कर दो, मतलब बंद कर दो, यहाँ से शो हटा दो, तो सिर्फ मॉडल दिखेगा। एज पे आके आप सेंटर की एज सेलेक्ट करो, 3ds Max में व्यूपोर्ट से ही सेलेक्ट करो, लेकिन अब इस एज को मुझे लूप बनाना है सेंटर की एज को, ताकि मैं इसको सीम बना सकूं। तो माया में तो आप डबल क्लिक करते तो लूप जनरेट हो जाता था, 3ds Max में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे डबल क्लिक करने से कुछ नहीं होने वाला। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक एज को डिफाइन करके उसके बाद आप यहाँ यूवी एडिटर में ही, नीचे मैंने ऑप्शन बताया था लूप यूवी, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ये आपकी पूरी जो एज है वो एज अ लूप में सेलेक्ट हो गई, आगे से लेकर पीछे तक, ठीक है ना। तो ये चीज भी ध्यान रखना, इसका मॉडलिंग से भी बहुत मकसद मतलब फिक्स है। अगर आपकी मॉडलिंग में टॉपोलॉजी सही नहीं है, एजेस का फ्लो सही नहीं है, तो फिर ये लूप जरूरी नहीं है कि परफेक्ट बने, तब हो सकता है। अगर आपकी मॉडलिंग एजेस बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड हैं, प्रॉपर फ्लो में नहीं है, तो जब आप लूप करते हो किसी एज को, तो वो उस फ्लो में चला जाता है जहाँ उसको नहीं जाना चाहिए। क्लियर हो रही है ना। बस तो जितना अच्छा मॉडल होगा उतना अच्छा लूप भी बनेगा, और उतनी जल्दी अनरैपिंग भी होगी। जितना बेकार टोपोलॉजी वाला मॉडल होगा, ध्यान रखना अनरैपिंग में वहाँ वो उतनी प्रॉब्लम भी करेगा, सीधी सी बात है। फिर वहाँ हमें लूप भी मैनुअली कंट्रोल होल्ड कर करके बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तो खैर ये प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ हमने लूप एकदम परफेक्ट बना लिया, नीचे नेक से लेकर पीछे बैक तक प्रॉपर। और अब मुझे इस एच को ब्रेक करना है, ठीक है ना। तो ब्रेक के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ एक्सप्लोड में राइट क्लिक करके भी ब्रेक कर सकते हो आप, ये उसका शॉर्ट वे है, लेकिन मैं आपको मेन्यू से ही बताता हूँ। तो यहाँ एक्सप्लोड में यहाँ आपको मिलेगा ब्रेक, ब्रेक पे क्लिक करो, तो जैसे ही जो एच सिलेक्ट होती है, जब आप उसको ब्रेक पे क्लिक करते हो, तो गौर से देखो वो पूरी एच सीम में कन्वर्ट हो गई, यानी ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है, ठीक है। रेड कलर में जब दिखाई देती है, तब इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ सेलेक्टेड है, वो अभी सीम में कन्वर्ट नहीं हुई। लेकिन जैसे आप ब्रेक कर देते हो, उसका सिलेक्शन भी जो है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और पूरी की पूरी सीम जो है वो इस तरीके से ग्रीन कलर में दिखाई देती है। तो इट मीन्स कि अभी सीम में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब इससे ये भी साबित हो गया कि मेरी जो यूवी है वो 200 में कट गई। यहाँ पे देखो सेंटर एज से मैंने ब्रेक कर दिया, तो मेरा लेफ्ट और राइट डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अब मैं अगर पॉलीगॉन पे आके कोई एक साइड सेलेक्ट करता हूँ, जैसे लेफ्ट साइड का कोई एक फेस सेलेक्ट किया, और नीचे आके ग्रो सिलेक्शन करता हूँ, ग्रो यूवी सिलेक्शन, तो देखो वो बॉर्डर से आगे सिलेक्शन नहीं देगा, यानी सीम से आगे। तो उसने ग्रो यूवी सिलेक्शन किया तो सही, लेकिन सिर्फ 50% ही फेस का, ठीक है ना, क्योंकि बीच में हमने सीम जनरेट कर रही है, तो सिलेक्शन सीम से आगे जा नहीं सकता, क्योंकि अब अनरैपिंग की नज़र में
जब हमने सीम डाल दी तो अनरैपिंग ये समझती है कि ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया। हालांकि ये सारी चीजें सिर्फ अनरैपिंग में हो रही है, इसका मॉडलिंग से कोई लेना देना नहीं है, मॉडल आपका जुड़ा हुआ है प्रॉपर वेल्ड। तो इस तरीके से हमने लेफ्ट साइड का पूरा ग्रो यूवी सिलेक्शन कर लिया और अब मूव करूंगा मैं इसको, तो ये हमारा क्या आ गया, पूरा का पूरा लेफ्ट साइड हमने मूव करके अलग कर लिया। तो इससे देखो ये भी आपको दिखने लगा कि राइट साइड उसी के पीछे ही था, बस वो छुपा हुआ था लेफ्ट साइड के अंदर। तो जैसे सीम काट के हमने अलग अलग कर दिया दोनों को, तो अब आपको राइट साइड भी प्रॉपर दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड भी प्रॉपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है कि जिस तरह एज अ रेफरेंस इमेज में हम देख रहे थे कि सीम सिर्फ फोर हेड के बाद स्टार्ट होनी चाहिए ऊपर से, बाकी सेंटर का पूरा जो है वो जुड़ा हुआ रहना चाहिए ताकि आपका ये पूरा फेस दिख सके। तो एज अ रेफरेंस इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे, ये आपके कान हैं, ये दो आंखें हैं, ये आपकी नोज नाक, ये आपके लिप्स, फिर ये आपका जॉ पार्ट, और फिर उसके नीचे जो जा रहा है पूरा नेक एंड ऑल, ये पूरा पार्ट है। ठीक है ना, तो ऐसी अनरैपिंग हमारी भी होनी चाहिए, तभी जाके वो परफेक्ट अनरैपिंग कहलाएगी फेस की एज अ कैरेक्टर की। ठीक है, तो अब हमें करना क्या होगा, जो हमने अभी पूरी ही सीम काटी है वो क्यों करी थी, क्योंकि मुझे लेफ्ट और राइट साइड अलग अलग करना था, लेकिन अब मुझे फ्रंट से यहाँ पे सीम जो है इसको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है ना, ताकि सीम कहाँ पर रह जाए, ये फोर हेड से ऊपर का पूरा पीछे तक पूरा सेम रह जाए। तो पहले तो हमने पूरा ब्रेक किया और अब मुझे 50% एज को वापस जोड़ना है ताकि फ्रंट से सीम खत्म हो जाए और सिर्फ फोर हेड से ऊपर की रहे। तो अब मुझे ये काम करने के लिए इन दोनों में से किसी एक फेस को फ्लिप करना होगा, क्योंकि अगर मुझे ये एज जोड़नी है ये फोर हेड से नीचे वाली, ठीक है ना, यानी कुल मिला के ये इधर से हेड से नीचे की पूरी एज, तो अगर मुझे इसको जोड़ना है तो वो बता तो रहा है कि ये वाली है जिससे जुड़ रही है, लेकिन दोनों का जो फेसिंग डायरेक्शन है वो एक ही तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड। तो मुझे किसी एक फेस को यहाँ ऊपर क्या करना पड़ेगा, उसको मिरर करना पड़ेगा ताकि दोनों की फेसिंग एक दूसरे के सामने हो जाए। तो मैं पॉलीगॉन में जाता हूँ, पहले एक साइड का पूरा फेस सेलेक्ट करता हूँ और इसको कर देता हूँ ऊपर मिरर, तो ये देखो फेस पलट गया। ठीक, तो अब दोनों की फेसिंग एक दूसरे के सामने हो गई इजीली। अब मैं एज पे जाता हूँ और अब मैं पूरा फ्रंट की एज जोड़ दूंगा। तो एज सेलेक्ट करने के लिए इजी तरीका यूज करो, ये आपकी सेंटर की जो एज है ये जोड़नी है, तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट करो, एक एज सेलेक्ट करो, देन हिट ऑन द लूप। तो लूप क्या करेगा, वो पूरी एज सेलेक्ट कर लेगा एक ही बार, लेकिन शायद उसने बैक तक भी सेलेक्ट कर ली है, तो ऑल्ट के साथ सिलेक्शन जो है पीछे का हटा दो इजीली, सिर्फ आप यहाँ हेड तक रखो। ठीक है, ये वाला भी डिसेलेक्ट कर लो, सिर्फ ये माथे तक सर तक। ठीक है, तो ये कर लिया, अब इसको बस मुझे जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए मैंने आपको स्टिचिंग टूल्स कल बताए थे, उसमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो, स्टिच टू टारगेट, तो जो सिलेक्टेड है वो टारगेट के पास चला जाएगा, स्टिच टू एवरेज तो दोनों सेंटर में आ जाएंगे, स्टिच टू सोर्स तो ये जो सोर्स वाला एरिया वो मेन सिलेक्शन वाले के पास आ जाएगा, मतलब टारगेट उठ के सिलेक्शन के पास आएगा, या फिर स्टिच टू कस्टम, यानी दोनों में से कोई एक मूव पूरा का पूरा हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें से करता हूँ स्टिच टू कस्टम, तो देखो ये वाला पूरा ही साइड उठ के इसके पास चला आया और जुड़ गया सेंटर में से। ठीक है, तो खैर जो भी आपको पसंद हो, तो यहाँ मैं करता हूँ स्टिच टू एवरेज, इसमें क्या है कि दोनों उठ के यहाँ सेंटर में आ जाएंगे। तो देखो आपकी सीम तो यहाँ जुड़ गई, सब लोग गौर से देख ही रहे होंगे। ठीक है, सीम पूरी जुड़ गई आपकी, और सीम कहाँ से छूटी, यहाँ से ऊपर से सर की तरफ से, जो पूरे बैक साइड में रहेगी, और ये रहनी चाहिए तभी ये प्रॉपर अनरैप कहलाएगा। लेकिन क्या अभी चेकर परफेक्ट हो गया, हमने सीम जोड़ दी लेकिन क्या शेप इस तरीके से आया कि अभी अनरैपिंग का प्रॉपर जो कि अनफोल्ड होता है वो अभी मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, इवन ये चीज आप चेकर से भी चेक कर सकते हो कि जब मैंने चेकर्स चढ़ा है तो देखो इधर का पूरा चेकर्स खराब हो रहा है, मतलब अनरैपिंग परफेक्ट नहीं है।
समझ रहा हूँ। तो मुझे कुल मिला के क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इसको रिलैक्स करूँ वापस, जिस तरह माया में आप अनफोल्ड करते थे, तो मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ ये पॉलीगॉन पूरे फेसेस के, टूल्स में जाता हूँ, रिलैक्स टूल लेता हूँ, एकदम इजी टूल है, इसमें रिलैक्स बाय एजेस सेलेक्टेड है, तो रिलैक्स बाय पॉलीगॉन रखता हूँ क्योंकि मैंने पॉलीगॉन सिलेक्शन बना रखा है पूरी अनरैपिंग का। अमाउंट जो है फुल 100% रखो, जो कि होता है वन, वन से ऊपर की कोई वैल्यू काम करती नहीं है रिलैक्स में, वन इज दी टॉप मोस्ट वैल्यू इन रिलैक्स, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं स्टार्ट रिलैक्स पे अब क्लिक करता हूँ, ये देखो फेस ने शेप लेना स्टार्ट किया, काफी हद तक यहाँ पे चेकर्स भी स्टार्ट हो रहे हैं। रिलैक्स आप बार बार भी कर सकते हो, ठीक है। हल्का सा इसमें स्ट्रेच भी डाल दो क्योंकि यहाँ कुछ पार्ट ओवरलैप्स हो रहे हैं, और अगर वो ओवरलैप स्ट्रेच से नहीं सॉल्व होते हैं तो फिर हमें मैनुअली भी उसको पेंट सिलेक्शन मोड से सेलेक्ट कर करके फिर थोड़े थोड़े पार्ट को भी रिलैक्स करना पड़ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए भी रेडी रहो। तो स्ट्रेच मैंने लगभग 0.2 का दिया, तो देखो काफी हद तक खैर सॉल्व हुआ, ये जो लिप्स का था वो पहले ओवरलैप हो रहा था वो काफी सॉल्व हो गया। थोड़ा सा स्ट्रेच और डाल देता हूँ मैं 0.3 का। तो स्ट्रेच करता क्या है, अमाउंट का काम तो है उसको प्रॉपर रिलैक्स करना है, लेकिन स्ट्रेच का काम है जितनी एजेस ओवरलैप है उनको खींच के दूर दूर करना, ये काम स्ट्रेच करता है। तो अपने हद तक क्योंकि ये ऑटोमेटिक तरीका है तो जितना उसको समझ में आता है उतना वो करता है, द रेस्ट अगर आपको लगता है अभी भी मजा नहीं आ रहा तो उस पार्ट को आप फिर क्या करोगे, मैनुअली सॉल्व करोगे। वैसे देखो काफी हद तक चेकर्स यहाँ पे अच्छे आ गए हैं, जस्ट इग्नोर द सेम पार्ट, ठीक है। तो यहाँ का जैसे नोस का जो पार्ट है ये देखो अभी प्रॉपर नहीं है, तो मैं वर्टेक्स मोड में आता हूँ, नीचे ये पेंट यूवी पेंट का जो ब्रश है उसको लेते हैं, और इससे क्या फायदा मिलेगा कि मैं इतने ही पार्ट को सेलेक्ट कर सकता हूँ पेंट ब्रश करके। तो मैं ब्रश का साइज बढ़ाता हूँ, ठीक है, ये इतना पार्ट सेलेक्ट किया प्रॉपर, ठीक है, दोनों एक साथ सेलेक्ट कर लो, दोनों नोस कंट्रोल के साथ, देन गो टू ऑफिस टूल्स रिलैक्स, रिलैक्स बाय पॉलीगॉन अमाउंट वन, रिलैक्स करते जाओ। तो देखो धीरे धीरे वो सॉल्व हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप वर्टेक्स मोड में हो, आप रिलैक्स बाय पॉलीगॉन यूज कर रहे हो, इम्पैक्ट तो पड़ता है नो डाउट क्योंकि है आप रिलैक्स ही, लेकिन अगर जो वर्टेक्स सिलेक्शन पे जो बेस्ट रिलैक्स्ड होता है वो रिलैक्स बाय सेंटर होता है, तो आप रिलैक्स बाय सेंटर करोगे तो देखो एक ही बार में उसने काफी हद तक उसको सही शेप दे दिया। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट, और बस ये है कि रिलैक्स बाय सेंटर बहुत ज्यादा खोल देता है, तो आप अमाउंट वैल्यू थोड़ी कम रखो 0.3, हालांकि तब भी बहुत ज्यादा ही कर रहा है। तो फिर जितना थोड़ा सा रिलैक्स बाय सेंटर से ले लो, थोड़ा सा रिलैक्स बाय पॉलीगॉन से ले लो, तो पॉलीगॉन थोड़ा सा खोलेगा देखो, क्योंकि वो ज्यादा खुलने से क्या है कि चेकर्स बहुत ज्यादा ही बड़े या छोटे होने लगते हैं, तो मुझे एरिया थोड़ा सा ही खोलना है छोटा छोटा, तो ये करते जाओ बस, ठीक है। तो देखो नोज वाला पार्ट भी एकदम परफेक्ट ओपन हो गया, लिप्स तो आपका वैसे स्ट्रेच नहीं काफी हद तक अच्छा खोल दिया था, थोड़ा सा देखो आईज वाला पार्ट प्रॉब्लम कर रहा है दोनों ही तरफ का, तो कंट्रोल से आप पहले इतना पार्ट वर्टेक्स का सेलेक्ट कर लो, फिर इधर भी बराबर में कंट्रोल के साथ उतना ही पार्ट सेलेक्ट कर लो, स्टार्ट रिलैक्स, रिलैक्स बाय सेंटर दे दो पहले थोड़ा सा। हाँ देखो अब सेंटर के साथ प्रॉब्लम, देखो करता तो है लेकिन बहुत ज्यादा सॉल्व कर देता है, तो इतना पार्ट तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो बीच का पार्ट है इसको मैं रिलैक्स बाय पॉलीगॉन से ही करता हूँ, तो सेंटर छोड़ के पॉलीगॉन पे आ जाता है। सिलेक्शन भी मैं लॉ पॉलीगॉन का ही लेता हूँ, वर्टेक्स छोड़ के ये पूरा एरिया ले लेते हैं। तो काफी
सही शेप लेना उसने स्टार्ट किया। इधर का भी ऐसा ही कुछ, ये वाला पार्ट छोड़ दो, ये वाला तो ले लो यहां तक। ठीक है, यहाँ पे एजेस थोड़ी ज्यादा ही हैं तो इसलिए हल्की सी ओवरलैपिंग तो आपको मिल ही रही है। तो ये पार्ट फिर हमको मैन्युअली थोड़ा थोड़ा वर्टेक्स खिसका के करना ही पड़ेगा क्योंकि एजेस थोड़ा ज्यादा हैं, तो मैं ब्रश और ये सब बंद करके वर्टेक्स पकड़ के थोड़ा मैन्युअली यहाँ से इनको खिसका लेता हूँ इस तरीके से। हल्की हल्की ओवरलैपिंग है बस, इसको हल्का हल्का आप मूव कर लोगे इस तरीके से, बाकी अनरैप तो आपका हो गया। इधर का भी तो इस टाइप से भी हल्के हल्का मैनुअली भी मूव कर सकते हो आप, बाकी सारा काम तो रिलैक्स और स्ट्रेच ने कर ही दिया है। ये बस हल्की हल्की ओवरलैपिंग हटा दो, क्लियर। जब आपको लगे हाँ हो गई है, बस आपको उसको लेआउट में डालना है, तो ये सिंगल फेस है तो लेआउट में डालना बहुत इजी रहेगा। इसको पूरी अनरैपिंग यानी सारे फेसेस सेलेक्ट करो, ठीक है, इसको लेआउट में डालना है तो बस यहाँ अरेंज एलिमेंट्स में पैक यूवी होता है, पैक कस्टम, इस पर क्लिक करोगे तो वो पूरी की पूरी अनरैपिंग को परफेक्ट लेआउट में एकदम लेआउट के अंदर और बॉर्डर से एकदम टच रखेगा, थोड़ा सा अंदर परफेक्ट साइज एंड शेप में। तो इस तरीके से ये आपका अनरैप हो गया। समझ में आई ये प्रोसेस सबको? हेलो, यस सर, है ना? हाँ सर, यस तो सर, बहुत ही इजी टेक्निक है, देखो यस सर, सेम वही फंडा हमने यूज किया है जो माया में किया था, तो फंडे सेम होते हैं, बस थोड़े टूल्स का फर्क होता है। और अगर आपने फंडे समझ लिए तो फिर आप आसानी से, चाहे वो आप माया हो, चाहे मैक्स हो, चाहे ब्लेंडर हो, किसी में भी आप ये अनरैपिंग बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो हमेशा बस अपने फंडे क्लियर रखो। और जैसा मैंने कहा था कि देखो 3ds Max में भी अनरैपिंग बहुत इजी है, जैसे किसी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि माया की ज्यादा इजी है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। मैंने अभी आपको देखो फेस भी बहुत ही जल्दी अनरैप करके बताया, और क्योंकि मैं पढ़ा रहा था तो काफी सारी चीजें एक्सप्लेन करते करते पढ़ा रहा था, तो इसलिए थोड़ा टाइम भी लगा। अगर मैं जस्ट इसको करूं एज अ प्रैक्टिकली विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन तो मात्र 2 मिनट में हो जाएगा, समझ रहे हो ना? तो बहुत ही इजी है 3ds Max की भी अनरैपिंग फॉर टेक्सचरिंग, चाहे वो एक हार्ड सरफेस ऑब्जेक्ट पे कर रहे हो, चाहे एक ऑर्गेनिक पे कर रहे हो। फंडे वही है कि आपको सीम डालना है, ठीक है, तो फेस में सीम जो डलती है वो पीछे की तरफ रहती है, बैक साइड में, ठीक है। इसी तरह अगर आप फुल कैरेक्टर अनरैप कर रहे होगे तो उसमें सीम कहाँ होगी? फेस में तो पीछे ही होगी, हाथ में होगी नीचे की तरफ, तो प्लानर जो डलता है वो एक्स का ना डलते हुए जेड का डलेगा। टॉर्सो में जो होती है वो होती है साइड की तरफ, इस तरफ, तो तब आप प्लानर कौन सा डालोगे? वाई का। तो बस वही सेम चीज है आपको, सेम जो मैंने माया में जो फंडा आपको बताया था वही फंडा आप इसमें यूज करोगे, आप इजीली फुल कैरेक्टर को अनरैप इसमें कर सकते हो। टूल सेम यही यूज होंगे उसमें, वही वेल्ड, स्टिच, ब्रेक, अनफोल्ड, रिलैक्स, ठीक है, तो उससे आप इजीली खेल ले जाओगे। तो सबको क्लियर ये चीज है ना? तो ये फाइल भी मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। हालांकि इसकी टेक्सचरिंग के लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, क्योंकि अनरैपिंग आपने कर ली है तो टेक्सचर करने के लिए, जैसे मैंने आपको फोटोशॉप में भी पढ़ाया है, मडबॉक्स में भी बताया है, ठीक है, कुछ लोग सब्सटेंस पेंटर भी चलाते हैं तो सब्सटेंस में भी कर सकते हो। कुल मिला के अनरैप हो चुका है, तो टेक्सचरिंग के लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करो इसके ऊपर करने के लिए, वो प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना?
तो ये सेव हो गया, ठीक है। ओके, 3 पॉइंट लाइटिंग 3ds मैक्स में भी कैसे होगी इन बेसिक लाइट्स के थ्रू वो हम देखेंगे, ठीक है। टॉपिक सबको याद है 3 पॉइंट लाइटिंग के, भूल गए? याद है सर, याद है क्या क्या याद होता है है उसमें, कोई बताएगा? याद है तो बैक लाइट, की लाइट। हाँ, तो जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 3 पॉइंट लाइटिंग, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट लाइटिंग में पहली लाइट कौन सी होती है? पहली होती है आपकी की लाइट, की लाइट, फिर फिल होती है लाइट, आपकी फिल बैक लाइट, लाइट, ठीक है ना, फिर होती है आपकी बैक लाइट, बैक लाइट। ठीक है ना। तो की लाइट क्यों होती है, किस लिए होती है, इसका मेन काम क्या है? ये होती है आपकी मेन सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है ना। मेन सोर्स ऑफ लाइट है, इस तरह जैसे मैं गूगल पे भी आपको दिखाता हूँ 3 पॉइंट लाइटिंग इन 3ds Max, ठीक है। तो मैं एक्चुअली सर्च पे आता हूँ, मैं चलो इमेजेस पे ही रहते हैं। हाँ, ये एक अच्छा एग्जांपल है, इसमें देखो ये इमेज में ले लेता हूँ, इसको सेव करके दिखाता हूँ अच्छे से। क्या हो रहा है भैया? सेव हुई कि नहीं है? हो गई। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है अच्छी इमेज, इसमें गौर से देखो 3 पॉइंट लाइटिंग में 3 लाइट होती है। फर्स्ट वन इज की लाइट, द सेकंड वन इज फिल लाइट, एंड द थर्ड वन इज रिम लाइट। तो ये जो थर्ड होती है, 3 नाम से जानी जाती है, कुछ लोग इसको रिम बोलते हैं, कुछ लोग इसको बैक बोलते हैं, रिम भी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ इस इमेज में रिम भी, रिम ही लिखा है, ठीक है। दूसरा आप बैक लाइट नाम से भी बोलते हो, तीसरा क्या है, तीसरा नाम कोई बता सकता है इसका मुझे? इनडायरेक्ट लाइट। ना ना ना, बताओ यार, सब महारत ही बैठे हो यहाँ पे। एरिया कहाँ से हो? ये माया में भी बताया है मैंने तुम लोगों को। बैकग्राउंड लाइट। ना ना, ये 3 पॉइंट लाइटिंग एनवायरमेंट कैरेक्टर और असेट के लिए होती है, एनवायरमेंट के ऊपर में। ये तीसरी गलत नाम है इसका, एज लाइट। एज लाइट क्यों एज? क्योंकि इसका काम है कैरेक्टर की एजेस को हाईलाइट करना। देखो पीछे से जो एजेस है वो चमकती है, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैं सिर्फ कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप 3 पॉइंट लाइटिंग किसी कैरेक्टर की बजाय किसी बॉटल की भी कर रहे हो, किसी एसेट की, प्रॉप की, या किसी मोबाइल मॉडल की, या कोई भी जो आपने मॉडल बनाओ, जरूरी नहीं कि 3 पॉइंट लाइटिंग सिर्फ ऑर्गेनिक के ऊपर होती है, 3 पॉइंट लाइटिंग प्रोडक्ट मॉडलिंग के ऊपर भी होती है। तो किसी प्रोडक्ट पे लेकिन भी कर सर रहे अगर हो, कोई डजंट मैटर। ट्रांसपेरेंट मॉडल हो तो उधर की लाइट पॉसिबल नहीं होगा ना, वर्ड मैं आई क्यों मीन नहीं एज होता? लाइट। हाँ, तब एज लाइट पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो उसकी एज काम नहीं करेगी, लेकिन की और फिल काम करेगी, तो तब वो 2 पॉइंट लाइटिंग कहलाएगी। 2 पॉइंट लाइटिंग भी होती है, अगर आप आर्नोल्ड में पढ़ोगे तो आर्नोल्ड में तो 2 पॉइंट लाइटिंग ही की जाती है कैरेक्टर के ऊपर। रीजन क्योंकि आर्नोल्ड पीबीआर मटेरियल है, सॉरी पीबीआर रेंडर इंजन है, तो उसमें जब आप की और फिल लगाते हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि फिल या रिम, मतलब कोई भी 2 लाइट लगाते हो तो तीसरे का आउटपुट उसमें ऑटोमेटिकली मिलता है। तो जिस तरह आर्नोल्ड में क्या होता है, 2 पॉइंट लाइटिंग करते हैं, एक की लाइट लगाते हैं और एक रिम लाइट लगाते हैं बस। तो इन दोनों को लाइट का ही इतना बाउंस क्रिएट हो जाता है कि फिल अपने आप कवर हो जाता है, फिर फिल लाइट लगाने की जरूरत पड़ती नहीं, तो वो 2 पॉइंट लाइटिंग होती है। तो ये भी आप कर सकते हो उस तरीके से, ठीक है। और हालांकि हम जो रेंडर इंजन अभी यूज कर रहे हैं 3ds Max, वो डिफॉल्ट स्कैन लाइन है, तो स्कैन लाइन में लाइट बाउंस नहीं होती, प्रॉब्लम ये है, दैट्स व्हाई हमें फिल लगानी पड़ती है, क्योंकि फिल लाइट का काम ही है की लाइट का अपोजिट पार्ट को हाईलाइट करना, तो दैट्स व्हाई हमें फिल लगानी ही पड़ेगी। तो ये हमारी लाइट है 3, की लाइट, फिल लाइट और रिम बैक एज, जिसको 3 नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो की लाइट तो आपकी मेन सोर्स ऑफ लाइट हो गई, ठीक है ना। फिल लाइट क्या करती है?
इस तरह भी मैंने बताया अभी। फिल लाइट का मेन मकसद क्या है, जैसे इधर देखो ये वाला पार्ट पूरा की लाइट से हाईलाइट हो रहा है, तो ये जो पार्ट है अपोजिट साइड का, मतलब लाइट इधर से आ रही है ना, अगर आप इमेज कुछ गौर से देखो तो लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है, तो ये जो उसका अपोजिट पार्ट है वो अभी डार्क है, प्रॉपर विजिबल नहीं, तो उस पार्ट को थोड़ा सा कवर करने के लिए हम ये फिल लाइट लगाते हैं, तो ताकि देखो तो ये वाला जो पार्ट है ये अब काफी विजिबल होने लगा यहाँ पर, हालांकि ये सिर्फ सिंगल पर फिल उसकी लाइट का आउटपुट है। इंटेंसिटी लो रखते हैं, किसकी? फिल लाइट का इंटेंसिटी लो ही हाँ, रखा फिल लाइट का जाता इंटेंसिटी लेकिन लो ही रखना है, क्यों? क्योंकि ये दिखाना बहुत ही जरूरी है कि मेन सोर्स ऑफ लाइट जो है वो किसी एक डायरेक्शन से है, तो इसलिए की लाइट का जो पावर होगा वो ज्यादा होगा, ये हमेशा ध्यान रखना, और जो फिल लाइट का जो पावर होगा वो कम होगा, ताकि फिल लाइट वाला एरिया बस हल्का सा सॉफ्टली दिखाई दे लेकिन एकदम प्योर 100% भी दिखाई ना दे इस वाले पार्ट की तरह, मतलब ये राइट वाले पार्ट की तरह। तो राइट वाला पार्ट ज्यादा अच्छा दिखना चाहिए, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो फिल लाइट की वजह से थोड़ा सा सॉफ्ट और थोड़ा हल्का सा डिसेंट वे में दिखाई देना चाहिए, कम पावर इंटेंसिटी के साथ, ठीक है ना? तो ये हो जाएगी आपकी फिल लाइट, ठीक है ना? और रिम तो पूरा ही अलग है, रिम का की लाइट और फिल लाइट से लेना देना नहीं, उसका काम है पीछे से ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना, उसकी एजेस को, उसकी रिम को इस तरीके से दिखाना प्रॉपर। और ये क्यों होता है, इसका रीजन क्यों हम रिम दिखाते हैं, एज दिखाते हैं कैरेक्टर की, फॉर क्रिएटिंग कंट्रास्ट बिटवीन बैकग्राउंड एंड कैरेक्टर, ठीक है ना? इसको आप कंट्रास्ट भी कह सकते हो या फिर डेप्थ भी कह सकते हो, ठीक है ना? अगर रिम एज नहीं होगी ना, या आपकी रिम नहीं हाईलाइट होगी, तो बैकग्राउंड, अगर इसके पीछे कोई बैकग्राउंड होगा तो उस बैकग्राउंड और कैरेक्टर के बीच में जो सेपरेशन है, जो डेप्थ है, जो गैप है, वो फिर आप ढंग से नहीं देख पाओगे, फिर वो रेंडर आपको 2D लगेगा, आप ये जज नहीं कर पाओगे कि अगर इस कैरेक्टर के पीछे की जो दीवार है वो कितने पीछे थी और ये कैरेक्टर उससे कितने आगे, मतलब जो डिस्टेंस है बैकग्राउंड और कैरेक्टर के बीच का वो कभी भी ढंग से विजिबल नहीं हो पाता अगर आप ये एज लाइट नहीं लगाओगे तो दैट्स व्हाई मैंने लिखा फॉर क्रिएटिंग कंट्रास्ट डेप्थ बिटवीन बैकग्राउंड एंड कैरेक्टर, समझ में आई बात? और फिल लाइट का काम क्या है, कवर दी अपोजिट एरिया ऑफ दी की लाइट, ठीक है ना? तो की लाइट का जो अपोजिट एरिया होता है उसको कवर करता है आपका फिल लाइट, समझ में आई बात? तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइट आपकी जो होती है 3 पॉइंट लाइटिंग में वो बैक ही होती है, एक बार की और फिल आप हल्की हल्की भी लगाओगे तो चलेगा, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पावर के साथ यूज करो, लेकिन रिम लाइट तो 3 पॉइंट लाइटिंग में बहुत ही कंपलसरी है, अगर आपने रिम लाइट जनरेट ही नहीं करी तो फिर आप कभी भी कंट्रास्ट नहीं क्रिएट कर पाओगे अपने कैरेक्टर में, समझ में आ रही है ना बात? तो यही चीज हम करेंगे, कैसे करेंगे वो देखने वाली है, ठीक है? एज अ थ्योरिटिकली तो सबको समझ आया ना क्या है 3 पॉइंट लाइटिंग, यस यस सर, यस है ना? हाँ, तो सर, कैसे करेंगे हम 3ds Max में, ये जरा देखो, तो आगे में 3ds Max में मॉडल हम हमारा यही फेस वाला ही ले लेते हैं, ठीक है? और जब भी आप 3 पॉइंट लाइटिंग करो किसी भी पहली बार समझने के लिए, तो कभी भी टेक्सचर वाले मॉडल पे मत करो, तब आप मॉडल इस तरीके से ग्रे लो, जैसे ये देखो ये एक फेस का एग्जांपल, किस्मत से इमेज आ गई, या ये भी सही है। हमेशा लाइटिंग सबसे पहले ग्रे स्केल में ही करना सीखो, अगर आपने ग्रे स्केल में आउटपुट लाना स्टार्ट कर दिया तो टेक्सचर वाले पे तो ले ही आओगे, अगर आपने ऐसे ग्रे क्ले मॉडल पे अगर लाइटिंग को समझना सीख लिया ना कि कंट्रास्ट क्या आ रहा है, लाइटिंग का पावर कितना है, शेडो किधर जा रही है, तो ग्रे स्केल लाइटिंग आपको ज्यादा सिखाती है, क्योंकि टेक्सचर में तो क्या लाइट फिर टेक्सचर के साथ ब्लेंड होने लगती है, तो फिर आप सिंगल लाइट को जज नहीं कर पाते हो, क्योंकि उसमें टेक्सचर भी साथ में इल्यूमिनेट हो रहा है लाइट के साथ, वो टेक्सचर का कलर भी बाउंस हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही, तो सिंगल लाइट को कभी भी फिर आप टेक्सचर के साथ जज नहीं कर पाते, तो
तो हमेशा जब आप लाइटिंग सीख रहे हो या सिर्फ आप देखना चाहते हो कि लाइट कितनी प्योर आ रही है, ओनली लाइट नो टेक्सचर, तब बेटर है कि आप ग्रे स्केल के ऊपर ही लाइटिंग करो। तब आप एक्चुअल में जज कर पाओगे कि आपकी लाइटिंग कितनी स्ट्रांग, समझ में आ रही बात। उसके बाद जब आपने लाइटिंग कर ली, उसके बाद टेक्सचर चढ़ा दो, खास ये भी कर सकते हो, ठीक है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैरेक्टर्स में तो करो ही, एनवायरनमेंट में जरूर ये होता है कि हम उसको पहले टेक्सचर ही करते हैं यूवीज प्रॉपर सॉल्व करके, देन फिर उसके ऊपर लाइटिंग करते हैं। हालांकि सजेशन मेरा ये है कि वहाँ भी पहले ग्रे स्केल में एक 50% लाइटिंग तो कर ही लो, देन एक लाइटिंग का आइडिया हो गया तभी उसके ऊपर टेक्सचर करो। तो आपको क्या टेक्सचर की भी रियलिटी पता चलती है कि टेक्सचर वाकई डार्क है या इसको लाइट करने की ज़रूरत है कि नहीं, या ऐसा तो नहीं हद से ज़्यादा लाइट है तो उसको डार्क करने की ज़रूरत पड़े। क्योंकि हम क्या डायरेक्ट डिफ्यूज टेक्सचर चढ़ा देते हैं और बाद में जब लाइट लगाते हैं तब हमें सच्चाई पता चलती है कि यार टेक्सचर तो बहुत ही ब्राइट दिख रहा है लाइट लगते ही, या बहुत ही डार्क दिख रहा है। तो बेटर है कि पहले ही लाइट लगा लो, फिर टेक्सचर चढ़ाओ और फिर उस टेक्सचर को उस लाइटिंग के हिसाब से सही करो, समझ रहे हो ना। तो हमेशा ग्रे स्केल लाइटिंग सीखने के लिए सबसे पहले करना स्टार्ट करो, इससे आपको बहुत कुछ लाइटिंग में स्ट्रॉन्ग कमांड बनने में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है क्योंकि मेरा भी वही स्पेशलाइजेशन है, दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं 3 पॉइंट लाइटिंग के लिए भी एक फेस ही ले रहा हूँ नॉर्मल, और इसके ऊपर बस मैं ऐसा ग्रे मटेरियल चढ़ा देता हूँ। उस ग्रे मटेरियल का कलर थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ही डार्क ग्रे हो रहा है, तो हल्का सा लाइट करता हूँ, ठीक है। ओके किया, एक रेंडर किया नॉर्मल सा, ये रेंडर आ रहा है देखो। रेंडर बहुत ही छोटे रिजोल्यूशन का है, तो मैं रेंडर सेटिंग F10 पे जाके रेंडर का जो रिजोल्यूशन है वो लगभग 1280x720 का लेके इसको रेंडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा ग्रे स्केल रेंडर है जिसमें कोई लाइट नहीं है, सिर्फ सादा रेंडर है, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले लाइटिंग में भी, क्योंकि लाइटिंग भी हम कैमरा के हिसाब से करते हैं, मैनुअली हम कहीं कैसे भी लाइटिंग कर नहीं सकते। और ये कभी भी मत करना कि लाइटिंग कर लो उसके बाद कैमरा लगाओ और फिर किसी भी एंगल से देखो, ठीक है। ये सिर्फ किसी भी एंगल से रेंडर करना, वो सिर्फ एक ही लाइटिंग में 360 प्रॉपर रेंडर अच्छा दिखाई देता है, वो होती है आपकी इमेज बेस्ड लाइटिंग, जिसको आप HDRI लाइटिंग के नाम से भी जानते हो। तो अगर आप इमेज बेस्ड लाइटिंग कर रहे हो थ्रू HDRI, तो HDRI में क्या होता है कि वो प्रॉपर इन्वायरमेंट के थ्रू लाइटिंग प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे सीन में अगर आप रेंडर कहीं से भी करो, क्योंकि उसमें प्रॉपर स्काई है चारों तरफ, एक प्रॉपर HDRI है, स्काई डोम है चारों तरफ और उसके अंदर पूरी 360 इमेज है। तो अगर आप HDRI या इमेज बेस्ड लाइटिंग वाली टेक्निक यूज कर रहे हो इन योर सीन, इन योर लाइटिंग, इन योर ऑब्जेक्ट, तो आप 360 कहीं से भी रेंडर करो वो रेंडर अच्छा दिखता है, क्योंकि हर तरफ चारों तरफ इल्यूमिनेशन है, हर तरफ लाइट है 360 में। लेकिन जब आप मैनुअली लाइटिंग कर रहे हो, नॉट अ इमेज बेस्ड लाइटिंग, तब हमेशा ध्यान रखो कि वहां फिर आपको कैमरा लगाना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने मान लो एस लाइटिंग इस तरफ से लगाई, ठीक है ना, लेकिन आप रेंडर इस तरफ से देख रहे हो कैमरे का बाद में, तो जो लाइट इधर से आ रही है वो इधर का एरिया कभी भी अच्छे से नहीं दिखा पाएगी, समझ में आ रही है ना बात। क्योंकि आपने इल्यूमिनेशन किसी और जगह जनरेट किया है और आप रेंडर किसी और जगह का देखना चाह रहे हो, तो फिर आपको करना क्या होगा बाद में, फिर इस कैमरे के थ्रू इस तरफ से भी लाइट लगानी पड़ेगी। तो ये बेसिक फंडा है, समझ रहे हो ना बात। तो जब भी आप कभी मैनुअली लाइटिंग कर रहे हो, चाहे वो एक कैरेक्टर हो, चाहे वो फेस हो, चाहे वो एज अ प्रॉप हो, एसेट हो, प्रोडक्ट हो, या एक पूरा एनवायरमेंट ही क्यों ना हो, अगर आपकी लाइटिंग आप मैनुअली कर रहे हो जिसमें किसी एक डायरेक्शन से लाइट आ रही है, तो बेटर है कि आप उस डायरेक्शन के हिसाब से कैमरा पहले ही लगा लो, ताकि आपको रेंडर उस लाइट का परफेक्टली मिले। और तब अगर आपने कैमरा एंगल चेंज किया और किसी दूसरा एंगल से रेंडर देखा, तो फिर ये गारंटी है कि वहां पर रेंडर आपको अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने लाइटिंग किसी एक ही एंगल की तरफ से करी। तो एक तरीके से रेंडर क्या होता है, 2D होता है, हमेशा ध्यान रखो। जो आप रेंडर करते हो ये F9, ये 2D है,
तो आप एक 3D चीज को एक 2D रेंडर एलिमेंट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो दैट्स वाई आपकी लाइटिंग भी जो हो रही है वो किसी एक कैमरा एंगल से हो रही है, वो 2D ही है। तो इसलिए आपको रेंडर करने से पहले और लाइट करने से पहले किसी एक व्यू में कैमरा लगाना पड़ेगा, ताकि आप प्रॉपर 2D व्यू में उस 2D एंगल में लाइट लगा के रेंडर कर सको। लेकिन अगर आप इमेज बेस्ड लाइटिंग कर रहे हो, तब फिर कैमरा लगाने की जरूरत नहीं है, तब आप किसी भी एंगल से रेंडर करोगे, वो ऑब्जेक्ट आपको अच्छा दिखाई देगा। ठीक है ना? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि रेंडर 2D ही होता है 3D एलिमेंट का। ठीक है? तो इसलिए एक 2D फ्रेम बनानी बहुत जरूरी है, तभी जाके आपकी लाइटिंग परफेक्ट होगी। अलग अलग कैमरा एंगल से देखोगे तो कभी भी लाइट आपको अच्छी नहीं दिखेगी, क्योंकि वो किसी एक ही कैमरा व्यू से परफेक्ट लगाई गई। क्लियर ना? तो मैं रेंडर सेटिंग में, हमने रेंडर डायमेंशन डिसाइड कर लिया, शिफ्ट प्लस एफ प्रेस करो तो एक फ्रेम आ गई आपकी, यानी आपका रेंडर रिजोल्यूशन गेट, और आपने इस तरह जूम करके इस टाइप से कैमरा लगाया। ठीक है? कंट्रोल सी प्रेस कर दो इस तरह फ्रेम बना के, क्योंकि अभी आप पर्सपेक्टिव में हो, तो कंट्रोल सी जैसे ही हिट करोगे तो ये कैमरा लग गया, पर्सपेक्टिव जो है वो कन्वर्ट हो गया कैमरा व्यू में। आप बाहर आ जाओ उस व्यू से, ठीक है, पर्सपेक्टिव में चले जाओ, और ऑल से कैमराज में आके पूरा कैमरा सेलेक्ट करो। ठीक है? और इसको लॉक कर दो। तो हायरार्की में जाओ, लिंक इन्फो, मूव रोटेट स्केल, तीनों पे टिक कर दो। हायरार्की में, लिंक इन्फो में जाके, तो आपका पूरा कैमरा क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब आपका कैमरा व्यू जो है ये लॉक हो चुका है, और ऊपर मैंने एक पर्सपेक्टिव व्यू जनरेट कर लिया है, जहाँ पे मैं लाइटिंग करूंगा, अपना काम करूंगा। तो आप रेंडर करो। ठीक है ना? ये आपका कैमरे से रेंडर हो रहा है। रेंडर में भी आप यहाँ पे व्यू पोर्ट में, आपका रेंडर व्यू है, यहाँ पे आप व्यू पोर्ट में कैमरा सेलेक्ट करके लॉक कर दो। तो अब हमेशा जब भी आप F9 प्रेस करोगे, हमेशा रेंडर जो होगा वो कैमरा व्यू से ही होगा। ठीक है ना? चाहे आप पर्सपेक्टिव के अंदर ही क्यों ना हो, चाहे किसी भी व्यू के अंदर क्यों ना हो, रेंडर जब भी आप F9 प्रेस करोगे, रेंडर आपका कैमरा व्यू से होगा। ठीक है ना? अब मैं स्टार्ट करता हूँ लाइट लगाना। तो सबसे पहले हम लाइट लगाएंगे, की लाइट मेन सोर्स ऑफ लाइट है, जिससे आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉपर हाईलाइट होता है। ठीक है ना? तो उसके लिए कौन सी लाइट लगा सकते हो? अगर मैं की लाइट लगा रहा हूँ, तो जो मेरी 3ds Max में जो स्टैंडर्ड लाइट्स हैं, इसमें से की लाइट के लिए, यानी मेन सोर्स ऑफ लाइट के लिए, मेन सोर्स ऑफ लाइट को सन भी कहा जाता है, हमेशा ध्यान रखना। तो इसके लिए मैं कौन सी लाइट यूज कर सकता हूँ इन सारी में से? सबको दिख रही है, कोई सजेस्ट करेगा मुझे कौन सी होगी? माया में कौन सी करते थे? है टारगेट लाइट, स्पॉट टारगेट, एरिया लाइट। एरिया लाइट? एरिया तो है ही नहीं मैं इसमें। अरे अरे सर ये मुझे दिख भी नहीं रहा ठीक से, रुक अच्छा, रहा किसी को दिख नहीं रहा क्या? ओमकार ने स्पॉट बोला। ठीक है? माया में हम मेन सोर्स ऑफ लाइट स्पॉट किसको कहते हैं, इतना तो पता होगा। स्काईलाइट स्काईलाइट कहाँ आ गई माया में? डायरेक्ट माया, लाइट हाँ, डायरेक्ट, यानी कुल मिला के डायरेक्शनल लाइट, जिसको मेन सोर्स, टारगेट डायरेक्ट। ठीक है ना, जो डायरेक्शनल लाइट होती है माया की, उसको हम मेन सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं, यानी जो सन का काम करती है। तो इन 3ds Max में भी सेम फंडा है, जो आपका सन है, सनलाइट है, वो ये डायरेक्शनल लाइट ही है, क्योंकि ये लाइट पैरेलल देती है। जिस तरह ओमकार तुमने कहा स्पॉटलाइट, मना नहीं कर रहा हूँ, स्पॉटलाइट यूज कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं दिखाता हूँ दोनों में डिफरेंस, कि जब आप स्पॉटलाइट लगाते हो तो स्पॉटलाइट कोनिकल कोन लाइट होती है। देखो, इसमें लाइट का जो डिस्टेंस है वो आगे आगे ब्रॉड होता है, मतलब जो लाइट जो ट्रेवल कर रही, तो लाइट की ट्रेवलिंग जहां से स्टार्ट हुई वहां से तो लाइट बहुत छोटी थी, और वो आगे जाके स्प्रेड हो रही है। ठीक है? तो इस वजह से ये कोनिकल लाइटिंग है, तो ये लैम्प या स्टेज या फिर स्ट्रीट के लिए सही होती है, यानी प्रॉप्स के लिए,
या एनवायरमेंट के लिए, इवन सन के लिए लाइट कभी सन नहीं कहलाती। मतलब ये आर्टिफिशियल लाइटिंग के लिए तो लाइट सही है, लेकिन सन वाला काम कभी भी कर नहीं सकते, तो दैट्स व्हाई हम स्पॉटलाइट को इग्नोर करते हैं। अगर आप डायरेक्शनल लाइट को देखो तो ये लाइट पैरेलल होती है। जब आप इसको देखोगे, इसका कोन भी अगर आप देखोगे, ये जितना एरिया ये ऊपर से स्टार्ट कर रही है, जहाँ से इसका लाइट की ट्रेवलिंग स्टार्ट हो रही है, उतने पे ये लास्ट में आगे खत्म भी हो रही है। मतलब जहाँ से स्टार्ट किया लाइट को उसने, उतने ही डिस्टेंस में जहाँ पे खत्म कर रही है, तो जो डिस्टेंस है वो बराबर है लाइट का। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि पीछे से ये लाइट कम स्टार्ट हुई थी और आगे जाके स्प्रेड हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये ऊपर से भी जहाँ से शुरू हुई वहां से भी इसका पावर ज्यादा है, और जहाँ पे खत्म होगी वहां पे भी इसका पावर ज्यादा रहेगा। यानी टोटल पैरेलल बराबर, जो कि ये स्पॉटलाइट नहीं कर सकती कभी भी, क्योंकि ये आगे जाके स्प्रेड होती है और शुरू से ये कम रहती है स्टार्टिंग पॉइंट्स। तो दैट्स वाई डायरेक्शनल लाइट किसी भी सॉफ्टवेयर में, चाहे वो माया हो चाहे मैक्स हो, ये पैरेलल लाइटिंग के लिए यूज होती है। यानी जो पावर स्टार्टिंग से है वो ही एंड तक प्योर मुझे मिले, कोई भी स्प्रेडिंग या कोई भी फैलाव किसी तरीके का हमें लाइट में ना मिले। यानी पूरा का पूरा पावर, बीच में कोई रोक नहीं, समझ रहे हो ना। सो दैट्स वाई डायरेक्शनल लाइट हर सॉफ्टवेयर में सन के आउटपुट देने के लिए, एज अ सन काम करने के लिए मानी जाती है, ठीक है ना। तो इन 3 पॉइंट लाइटिंग, इन 3ds Max, यहाँ पे भी आप लाइट कौन सी यूज करो, डायरेक्शनल, ठीक है ना, जो कि मेन सोर्स ऑफ लाइट है, क्योंकि ये टोटली पैरेलल लाइट है। इसमें कोई भी डिस्टेंस का जो लोचा है वो बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो डायरेक्शनल लाइट लगाने के लिए मैं टॉप व्यू में आता हूँ, ये मेरा टॉप व्यू है, मैंने डायरेक्शनल लाइट ली फ्री। इसमें डायरेक्शनल दो तरीके से आती है, एक टारगेट एक फ्री, दोनों में बस डिफरेंट इतना है कि एक में टारगेट मिलेगा एक में विदाउट टारगेट लाइट होगी। तो दोनों, जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये देखो जो टारगेट डायरेक्शनल है उसमें आगे ये टारगेट मिलता है जिसको आप पकड़ के मूव कर सकते हो। फ्री डायरेक्शनल लाइट में क्या होता है कि वो इस तरीके से लगती है, बस क्लिक करो ये लग जाएगी। प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, फ्री के साथ, इसमें कोन तो मिलेगा लेकिन टारगेट नहीं मिलेगा सेलेक्ट करने के लिए, तो बस लाइट मिलेगी, लगाओ और रेंडर करो। लेकिन टारगेट लाइट्स में आपको टारगेट मिलता है जिससे आप लाइट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो बस इतना डिफरेंस है। तो मैं टारगेट लाइट ही यूज करता हूँ, तो मैं टॉप व्यू से टारगेट डायरेक्शनल इस तरह एकदम फ्रंट से लगाता हूँ, और चाहो तो थोड़ा कैमरा एंगल की तरफ से भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो की लाइट हमेशा ध्यान रखना थोड़ा कैमरे के हिसाब से लगेगी, की और फिल दोनों। ये की और फिल, आपका जो कैमरा एंगल है, या तो आप कैमरा एंगल के डायरेक्शन से लगाओ, ठीक है। हाँ, अपोजिट साइड में कभी मत लगा देना कि रेंडर हो रहा है इधर आपके लेफ्ट साइड से और आप की लाइट लगा रहे हो राइट साइड से, तो वो बहुत ही अजीब हो जाएगा, उसका कोई आउटपुट नहीं आने वाला। तो आप थोड़ा सा ऐसा कैमरा व्यू की तरफ से मैं लगाता हूँ उसको, ठीक, हल्का सा लाइट। जब मैंने टॉप व्यू से लगाई तो गौर से देखना, वो एकदम फ्लैट लगी ग्रिड के ऊपर, एकदम स्ट्रेट, ठीक है। और सन आता है ऊपर से, तो हम इस लाइट को इस तरह नीचे से रेंडर नहीं कर सकते, तो लाइट को सेलेक्ट करो और उठा दो, ठीक है। तो ये लाइट अब थोड़ा ऊपर से आएगी तो ऐसा लगेगा कि सनलाइट की लाइट जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है, ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे, अगर आपने अभी जस्ट रेंडर किया, F9 प्रेस करो, कैमरे से रेंडर होगा, तो लाइट सिर्फ इतने एरिया पे पड़ रही है, नाक से लेकर लिप से लेकर नेक तक। रीजन, क्योंकि लाइट का कोन बहुत ही छोटा है। डायरेक्शनल लाइट तो है, लाइट भले ही पैरेलल आ रही है लेकिन लाइट का कोन हमने छोटा रख रखा है, तो जितना कोन छोटा है लाइट उतने एरिया में ही रहेगी, तो बेटर है मुझे कोन का साइज बढ़ाना है। तो जब आप 3 पॉइंट लाइटिंग कर रहे हो तो यहाँ कोन मैटर करता ही नहीं है, तो आप मॉडिफाई में जाओ, लाइट को सेलेक्ट करो, मॉडिफाई में जाओ, और यहाँ लाइट के पैरामीटर्स हैं। डायरेक्शनल लाइट में आपको यहाँ डायरेक्शनल पैरामीटर्स मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा ये हॉटस्पॉट बीम फॉल ऑफ फील्ड, ठीक है। तो इसमें हॉटस्पॉट बीम की वैल्यू अगर आप बढ़ाते हो तो देखो कौन का साइज बढ़ता जाएगा, छोटा करते हो फॉल ऑफ फील्ड की वैल्यू को तो कौन का साइज छोटा होता जाएगा, ठीक है। बढ़ाने के लिए हॉटस्पॉट यूज करो,
घटाने के लिए फॉल ऑफ यूज करो। तो मुझे तो बढ़ाना है, तो मैं अभी हॉटस्पॉट की वैल्यू हद से ज्यादा बढ़ा ही देता हूँ। कितना ही बड़ा रखो मैटर नहीं करता, क्योंकि मुझे कौन दिखाना भी नहीं है, तो मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है, और इसमें कोन का शेप भी आप चेंज कर सकते हो। कोन अभी सर्कल शेप का है, अगर आप रेक्टेंगल कर दोगे तो देखो लाइट का शेप चेंज हो जाएगा। तो कभी अगर आपको कोन दिखाना हो रेक्टेंगल शेप में, तो वो भी आप कर सकते हो। जब आप विंडो से लाइटिंग लेकर आ रहे हो, तो एक एज अ एरिया लाइट जैसा काम करेगा, सॉरी, तब आप रेक्टेंगल शेप इसका दे सकते हो। अभी के लिए हम सर्कल ही रखते हैं। ठीक है, तो अब मैं रेंडर करूंगा। देखो रेंडर में पूरा फेस आ रहा है लाइट के थ्रू, क्योंकि कोन का साइज बहुत बढ़ गया है। लेकिन अगर मैं एज अ रेफरेंस इमेजेस देखूं, तो इसमें की लाइट का पावर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं डायरेक्शनल पैरामीटर के ऊपर जो इंटेंसिटी कलर एटोनेशन है, इसमें जाके मल्टीप्लायर वैल्यू मिलेगी। ये मल्टीप्लायर वैल्यू का मतलब इंटेंसिटी है, बस नाम का फर्क है। तो मैंने मल्टीप्लायर वैल्यू समथिंग 3 कर दिया, रेंडर कर दिया। तो ये देखो लाइट का पावर बढ़ना स्टार्ट हुआ, हालांकि बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं कम करता हूँ, लगभग 2 रख लेते हैं। आ रहा है थोड़ा सा और कम, 1.8। तो ये अच्छा खासा लाइट की इंटेंसिटी इसके ऊपर पड़ रही है। एक चीज और ध्यान रखना कि की लाइट की शेडो भी चालू रहेगी। तो डायरेक्शनल लाइट के साथ आप क्या करोगे, उसकी शेडो भी चालू रखोगे। ठीक है, और शेडो हल्की सी सॉफ्ट रखना। तो शेडो जो है वो आप शेडो रेट्रे शेडो मत यूज करना, क्योंकि रेट्रे शेडो में पढ़ा चुका हूँ ये ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज होता है। इस टॉपिक में इसका कोई मकसद नहीं है। तो जो डिफॉल्ट शेडो होती है, शेडो मैप, बस यही रखो। और शेडो के मैप के ऊपर ये जो टिक है, उसका इस पर टिक लगा दो, तो उससे क्या होगा, शेडो आना स्टार्ट हो जाएगी। देखो टिक हटाया तो शेडो नहीं है, यहाँ नेक पे देखो टिक लगाया तो शेडो आ गई। लेकिन शेडो का शेप और उसकी जो एजेस हैं, वो बहुत ही बेकार आ रही हैं। तो शेडो के जो पैरामीटर्स हैं, नीचे नीचे जाओ, यहाँ आपने जो शेडो यूज करी है, शेडो मैप, तो उसी के ही नीचे पैरामीटर्स में मिलेंगे, शेडो मैप पैरामीटर्स। ठीक है ना, जो शेडो आप ऊपर चेंज करते हो, उस वैसे ही पैरामीटर्स नीचे यहाँ पे भी चेंज हो जाते हैं। तो मैं अगर शेडो मैप यूज कर रहा हूँ, जिस तरह माया में होती थी डेप्थ मैप, यहाँ होती है शेडो मैप, तो वहीं नीचे पैरामीटर्स में मिलेंगे आपको शेडो मैप पैरामीटर्स। इसमें जाओ, यहाँ आपको मिलेगा साइज और सैंपल रेंज, जो मैंने आपको बताया था। साइज का काम क्या है, अगर मैं जैसे सैंपल रेंज 0 कर दूं और साइज और कम कर दूं 512 से 128 और रेंडर करूं, तो देखो एंटी साइज, अलाइजिंग हाँ, ये आपकी एंटी अलाइजिंग है, यानी शेडो के शेप को सही करता है साइज। तो अगर साइज एकदम कम करते जाओगे, तो शेडो का जो शेप होना चाहिए अकॉर्डिंगली टू ऑब्जेक्ट, वो एकदम खराब हो जाएगा और पिक्सलेट हो जाएगा, एकदम अजीब सा हो रहा है ये। तो बेटर है आप साइज अच्छा खासा बढ़ाओ। तो मैं रेंडर कर रहा हूँ लगभग हाफ HD, तो आप 1K का साइज ले सकते हो, लगभग 1024। रेंडर करो तो देखो काफी हद तक शेप अच्छा आने लगा, लेकिन अभी भी थोड़ी कमी पड़ ही रही है, तो मैं और बढ़ा लेता हूँ, 2048, 2K का कर लो। तो देखो शेप और अच्छा हो गया। तो शेडो का शेप अब काफी हद तक अच्छा आ रहा है। देखो नोज है, तो नोज जैसा ही शेप शेडो का यहाँ मिल रहा है। इधर यहाँ पे भी नेक पे ये फेस का ही शेडो बन के यहाँ आ रही है, लेकिन एजेस बहुत ही कट्टू कट शार्प है। तो उसके लिए थोड़ी सी सॉफ्टनेस देने के लिए मैं सैंपल रेंज बढ़ाऊंगा, तो ये जो एजेस हैं शेडो की, ये फेदर हो जाएंगी। तो मैंने सैंपल रेंज की वैल्यू लगभग अभी 12 कर दी, रेंडर करके देखते हैं। तो देखो ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हुई, हालांकि बहुत ज्यादा हो गई, तो मैं 12 को 6 कर लेता हूँ। क्योंकि देखो मेन सोर्स ऑफ सनलाइट आप यूज कर रहे हो, समझ रहे हो ना बात को, आप सनलाइट यूज कर रहे हो, तो सन डायरेक्ट इस पे पड़ रहा है, तो शेडो की एजेस ज्यादा सॉफ्ट हो भी नहीं सकते। बस हल्की सी सॉफ्ट रखो, ठीक है, ज्यादा सॉफ्ट मत कर देना, एकदम 45 में ऐसा कुछ कर दिया तो वो इतनी सॉफ्ट हो जाएगी कि पूरी ब्लरी हो गई, दिखना ही बंद हो गई, तो वो मत कर देना। लगभग 6 7 8 इस टाइप की वैल्यू, तो 6 सही था। ठीक है, ये आ गया। और तो ये हमारी की लाइट हो गई, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट जो मेरा ज्योमेट्री है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं
रैपिंग तो हटा दो, अभी अनरैपिंग हम कर नहीं रहे हैं। थोड़ा स्मूथ करने के लिए टर्बो स्मूथ डाल देता हूँ, ताकि थोड़ा सा फेस में जो पहले वो आ रहे थे यहाँ पे हार्ड एजेस, वो देखो चली गई एकदम स्मूथ। फेस के ऊपर लाइटिंग भी एकदम स्मूथ दिखाई दे रही है। तो ज्योमेट्री भी डिपेंड करती है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। जितनी स्मूथ ज्योमेट्री होगी, लाइट उस भी उसके ऊपर उतनी सॉफ्ट और अच्छी दिखाई देगी। तो टर्बो स्मूथ डाल के करना 3 पॉइंट लाइटिंग। तो ये आपकी हो गई भाई की लाइट, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना कि अगर आप लाइट को जितना उठाते जाओगे, ठीक है, ये लाइट सेलेक्ट करी मैंने, थोड़ा इसमें ट्रिकी है लाइट को सेलेक्ट करना। हाँ, अब हुई। जितना उठाते जाओगे वही सेम फंडा रेंडर में शेडो देखो उतनी नीचे जाती जा रही है, और जितना लाइट नीचे लाते जाओगे शेडो उतना ऊपर होती जाएगी, ठीक है। देखो तो थोड़ा इस हिसाब से ही रखना कि थोड़ा शेडो ठीक ठाक मिले आपको, ज्यादा ऊपर भी नहीं। तो प्लेसिंग कर करके रेंडर करते जाओ, तो ये सही है, ज्यादा नीचे भी नहीं ज्यादा ऊपर भी नहीं, ठीक है ना। ये ठीक है। तो ये हो गई भाई आपकी की लाइट, जिसमें इंटेंसिटी 1.8 का है, यानी मल्टीप्लायर थोड़ा और कम 0.65 कर लेता हूँ, क्योंकि अभी और भी लाइट लगेंगी तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। ये ठीक है। तो की लाइट हो गई। आप लाइट का भी नेम हाथों चेंज कर लो, तो सिलेक्ट दी लाइट, जो डायरेक्शनल लाइट है मॉडिफाई में जाओ, यहाँ उसका नाम चेंज कर दो की लाइट, ठीक है। और अभी की लाइट को बंद कर दो, क्योंकि मुझे पहले सिंगल सिंगल तीनों लाइट का आउटपुट देखना है, की लाइट का अलग, फिल लाइट का अलग, रिम लाइट का अलग। तो की लाइट आपने लगा तो दिए, लेकिन अब इसको बंद कर दो, तो उसका स्विच आपको कहाँ मिलेगा बंद करने का, मॉडिफाई में जाओ सेलेक्ट करके, और ये शेडो उसके ऊपर ही ये रहा ऑन एंड ऑफ। तो उस टिक हटा दोगे तो लाइट ऑफ हो गई, रेंडर करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लगाते हैं दूसरी लाइट, जो कि होगी आपकी फिल लाइट, ठीक है। फिल लाइट में ध्यान रखना कि शेडो चालू नहीं रहेगी, लेकिन लाइट आप कौन से यूज कर सकते हो फिल लाइट के लिए। अभी की लाइट के लिए हमने डायरेक्शनल यूज करी, फिल के लिए क्या यूज कर सकते हो। ओमनी गुड, ओमनी भी यूज कर सकते हो, या फिर स्पॉटलाइट भी यूज कर सकते हो, दोनों लाइट चलेगा, ठीक। तो जैसे ओमनी कहा तो ओमनी यूज कर लो, तो मैंने ओमनी ली। अब फिल लाइट के साथ भी कैमरा कंडीशन है, जिस तरह की के साथ भी कैमरा किस डायरेक्शन में दिखा रहा है, लेफ्ट साइड दिखा रहा है, तो आपकी फिल लाइट हमेशा कहाँ होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जो पार्ट की लाइट नहीं दिखा पा रहा, जो अंधेरे का पार्ट, ठीक है ना। तो रेंडर में जैसे मैं कौन सा पार्ट दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट ज्यादा दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, आपका की लाइट के थ्रू। तो मैं एक बार दोबारा जैसे की चालू करता हूँ, या लाइट डिलीट ही करता हूँ, और की दोबारा चालू करता हूँ, ठीक है ना। तो आपकी की लाइट का ये वाला पार्ट ज्यादा हाईलाइट हो रहा है लेफ्ट साइड का, तो फिल हमेशा कहाँ जाएगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, इस वाले पार्ट के लिए। तो हमेशा ध्यान रखना, वापस की को बंद किया मैंने, तो हमेशा आपकी अब फिल कहाँ लगेगी, कैमरे के अपोजिट में, तो इस तरफ। और अगर कैमरा आपका इस डायरेक्शन में राइट वाला पार्ट ज्यादा दिखा रहा होता, तो आपकी फिल कहाँ लगती, इस तरफ। तो जिस तरफ कैमरा उसका अपोजिट डायरेक्शन, बस ये ध्यान रखना। तो इसलिए मैं आ गया कैमरे के अपोजिट में, यहाँ रहेगी मेरी फिल लाइट, ठीक है ना। इसके मॉडिफाई में जाओ, इसकी शेडो बंद रखना, शेडो चालू नहीं रहेगी, क्योंकि शेडो सिर्फ आपकी की लाइट, मेन सोर्स ऑफ लाइट की चालू रहती है, ठीक है। तो ये रही, इसका नाम मैं दे देता हूँ फिल लाइट, ठीक है ना। ये आपने लगा दी, की बंद है, तो एक आपको अभी जो आउटपुट मिलेगा वो टोटली इसी लाइट का मिलेगा। तो आप इसकी इंटेंसिटी में जाओ, क्योंकि इंटेंसिटी वो पिछली वाली लाइट की ही लेता है। 3ds Max में ये थोड़ी प्रॉब्लम है, अब आप इसको प्रॉब्लम मान लो या सॉल्यूशन, मतलब ये प्रैक्टिस पे डिपेंड है, कि पिछली लाइट में जो आपने वैल्यू डाली थी 1.65, वो ऑटोमेटिकली दूसरी जो पॉइंट लाइट आपने लगाई उसमें भी ऑटोमेटिकली वो वैल्यू आ गई 1.65। अब कम आपको खुद से करना है, तो मैं इसको लगभग 0.5 की वैल्यू, क्योंकि मुझे एकदम सॉफ्ट लाइट चाहिए इस तरीके से, तो 0.5 में डाला।
रेंडर किया तो ये आ रही है आपकी कौन सी लाइट, फिल लाइट। ठीक है ना, फिल लाइट में बेटर है कि आप एकदम 50% फेस ही दिखने दो अपोजिट साइड का, ये जो लेफ्ट साइड दिख रहा है जो कि की लाइट पहले से हाईलाइट कर रहा है उसको एकदम हटा ही दो तो एकदम परफेक्ट फिल लगेगी। तो मैं लाइट को पीछे लेता हूँ, रेंडर करता हूँ, तो देखो आपका लेफ्ट साइड पूरा जाता जा रहा है और राइट साइड ही दिखेगा बस रेंडर में। ठीक है, थोड़ा सा और अंदर, ये तो इसको कहते हैं परफेक्ट फिल लाइट का आउटपुट। थोड़ा सा दिख रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, लेकिन एज अ लेक्चर में समझाने के लिए बता रहा हूँ कि परफेक्ट फिल लाइट यही होती है कि जो अपोजिट साइड है से वो ही रेंडर में दिखे एज अ सॉफ्ट वे में, जो की लाइट वाला पार्ट है वो एकदम अंधेरे में चला जाए। ठीक है, तो ये हो गया। इंटेंसिटी 0.5 अभी ठीक है क्योंकि एकदम सॉफ्ट लाइट आ रही है, थोड़ा सा जाओ तो 0.55 और ले लो। ठीक है ना, तभी आ गया। शेडो बंद, शेडो चालू मत रखना। तो ये आपने लगा ली। ठीक है, कौन सी लाइट लगाई आपने इसके लिए, पॉइंट लाइट। ठीक है ना, इसमें ध्यान रखना नो शेडो, शेडो को बंद रखना। अब आते हैं रिम लाइट पे, कि फिल लाइट बहुत जल्दी लग जाती है, इसमें ज्यादा कुछ तीम झाम नहीं है क्योंकि बस आपको की का अपोजिट पार्ट को हल्का सा हाईलाइट करना रहता है तो वो आपकी रेडी। ठीक है ना, अब आते हैं रिम लाइट पे। रिम लाइट के लिए कौन सी लाइट लगा सकते हो, क्या लगता है? एरिया एरिया लाइट तो होती ही नहीं है 3ds वो एरिया ओमनी लाइट ओमनी भी लगा सकते हो। ठीक है, वापस ओमनी ही मैं तो सजेस्ट करूंगा क्योंकि ओमनी बहुत काम की है 3ds Max में, बहुत सारे आउटपुट ओमनी लाइट से आ जाते हैं। और या फिर एज अ आर्टिफिशियल लाइट आपकी जो स्पॉटलाइट होती है वो भी लगा सकते हैं। तो मैं एक बार ओमनी लगा के आपको दिखाता हूँ। तो मैंने ओमनी ली, ठीक है, ऐसे पीछे डाल दी। अभी फिल लाइट को बंद कर दो, फिल का आउटपुट बंद, फिल काम खत्म। ठीक है, ताकि हम सिर्फ ओमनी का आउटपुट देख सकें और हमें प्रॉपर रिम जनरेट करनी है। ध्यान रखना, जैसे किसी फेस में भी यहाँ अगर दिखा रहे होंगे तो मैं आपको बताता हूँ, या फिर इसे रिम लाइट ही सर्च करता हूँ। रिम लाइट ये देखो, ये होती है एक्चुअल रिम, बस सिर्फ पीछे से उसकी एज हाईलाइट हो, दैट्स व्हाई इसको एज लाइट भी बोला जाता है। एकदम परफेक्ट रिम लाइट है ये, कि कैरेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट का फेस नहीं दिखाई देता, उसकी जो एज है वो हाईलाइट होती है, चमकती है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपकी रिम दिखनी चाहिए, बहुत ही अच्छी लाइट होती है ये, मतलब इससे पूरा ऑब्जेक्ट आपका पीछे से इल्यूमिनेट दिखाई देता है। तो मैंने ये रिम लाइट लगाई, नाम पहले ही चेंज कर देता हूँ रिम लाइट। ठीक है, और बाबा इसकी शेडो आप चालू रख सकते हो रिम लाइट की, क्योंकि ये शेडो आगे की तरफ फेंकता है वैसे भी, तो उससे रिम और अच्छी जनरेट होगी। क्योंकि शेडो जब आगे आ जाएगी तो फेस पूरा ब्लैक होने लगेगा, तो रिम अच्छे से आपको प्रॉपर चमकती हुई दिखाई देगी। तो बेटर इसकी शेडो चालू रखो, शेडो में शेडो मैप पैरामीटर्स में जाके उसका जो साइज और सैंपल रेंज है देखो, उसने ऑटोमेटिकली पहले वाली लाइट का ही ले लिया है, तो 2K का साइज जा रहा है, सैंपल रेंज 6 का जा रहा है जो हमने डायरेक्शनल लाइट यानी की लाइट में भी डाला था। तो रहने दो अभी के लिए, देखेंगे कम ज्यादा करना होगा। तो ये मैंने लगाई। अब इसका मल्टीप्लायर आपके ऊपर होता है, इस ये जो जो रिम लाइट होती है इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि इसका जो इंटेंसिटी है वो की लाइट से कम रखना है या की लाइट से ज्यादा रखना है, ये आपके ऊपर है। जब तक आपको आउटपुट नहीं मिल रहा जो वैल्यू रखना चाहते हो रखो, की लाइट से ज्यादा भी रखना चाहते हो रखो, अगर आउटपुट आपको नहीं मिल रहा तो। ठीक है ना, बस कंडीशन इंटेंसिटी की इन दोनों लाइट में होती है कि फिल लाइट हमेशा कम होगी की से और की हमेशा ज्यादा रहेगी फिल से। लेकिन रिम अपने आप में ही एक पर्सनल लाइट है, इसका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको लगता है आपका 12 इंटेंसिटी पे आउटपुट अच्छा आ रहा है तो 12 रखो, डजेंट मैटर कि फिर वो की से ज्यादा है कि कम। समझ में आई ना बात? तो इसका मल्टीप्लायर आप 1 रखो अभी के लिए। मैं रेंडर करता हूँ, देखो तो हल्की सी रिम आना स्टार्ट।
ठीक है ना, तो अभी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो पूरी चमकनी चाहिए एज। तीन देखो और हाईलाइट हुई, ठीक है तो बढ़ाना पड़ ही रहा है। 12 देखो और हाईलाइट हुआ, ठीक है ना। अब इस 12 के साथ तो मुझे थोड़ा सा और इसको खिसकाना है ताकि एज, क्योंकि इसके सिर्फ मल्टीप्लायर से मतलब नहीं है, इस लाइट का जो डायरेक्शन है अगर मैं टॉप से दिखाऊं तो किस जगह रखी वो भी डिपेंड करता है। अगर मैंने लाइट को ऐसे रख दिया तो रेंडर जो है देखो चला गया पूरा, क्योंकि मेरा कैमरा इस तरफ है तो जाहिर सी बात है मेरे फेस का जो रिम बनेगा कैमरे के अकॉर्डिंग वो लेफ्ट साइड का बनेगा ना कि राइट साइड का, क्योंकि मेरा कैमरा ये वाला पार्ट ज्यादा दिखा रहा है लेफ्ट साइड एरिया। तो लाइट का डायरेक्शन भी बहुत डिपेंड करता है, तो इसलिए आप लाइट को लेफ्ट एरिया की तरफ ही ज्यादा रखो, शेडो चालू रख के, ताकि आपकी रिम प्रॉपर हाईलाइट हो। ठीक, रेंडर किया, देखो रिम दिखना स्टार्ट हो रही है प्रॉपर। और ध्यान रखना ये आगे का पार्ट बिल्कुल नहीं दिखा रहा है रिम लाइट, क्यों? क्योंकि शेडो चालू है। जैसे मैंने शेडो बंद कर दी देखो बहुत सारे पार्ट दिखना स्टार्ट हो गए, कान तक लाइट पहुंच गई, नाक तक लाइट पहुंच गई, तो ये थोड़ा गलत हो जाता है क्योंकि लाइट बाहों किसी ना किसी तरीके से आगे तक पहुंच रही है। तो इसलिए ये ट्रिक हम यूज करते हैं कि आप शेडो चालू कर दो तो आगे की तरफ यहाँ शेडो आ जाएगी, तो फिर प्रॉपर रिम ही आपको दिखाई देगी, आगे का पार्ट पूरा ब्लैक हो जाएगा, तो परफेक्ट रिम। इसलिए रिम लाइट में शेडो चालू की जाती है, ये रीजन है उसका, ठीक है। तो अब डायरेक्शन आप डिसाइड करो कि कैसे आप, देखो इतनी मोटी रिम लाइट भी रख सकते हो या एकदम एज टू एज कट टू कट जैसे इसमें दिख रही है कि सिर्फ पतली एज चमक रही है ज्यादा मोटी नहीं है, तो जैसा हम पहला कर रहे थे ये भी रख सकते हो। देखो सिर्फ एज हाईलाइट हो रही है, थोड़ा सा और लाइट को ऊपर ले लो तो और ऊपर तक की एज आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा और एक्स में, थोड़ा सा नीचे, ठीक है। और इसका मल्टीप्लायर 12 से थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, लगभग 8, देखते हैं 8 में कैसे आ रही, ठीक है। तो 8 में भी सही लग रहा, ठीक है। तो इस तरह देखो हमने तीनों लाइट का आउटपुट जनरेट कर लिया। ये आपकी रिम है, मैं इसको क्लोन करता हूँ, ये रिम लाइट है। फिर मैं रिम को भी कर देता हूँ बंद, मैं चालू करता हूँ फिल, ठीक है। फिर मैंने किया रेंडर, ये आपकी फिल लाइट है। फिल में थोड़ी सी इंटेंसिटी में बढ़ा लेता हूँ, 0.65 कर लेता हूँ या 0.55 भी ठीक था, चलो जो है वही रहने दो, क्योंकि थोड़ी सी डार्कनेस रखना भी जरूरी। तो मैं इसको भी क्लोन कर लेता हूँ और ये आपकी फिल को बंद करो तो डायरेक्शनल चालू करो तो ये आपकी की लाइट है, ठीक है। तो ये की का आउटपुट, ये रिम का आउटपुट और ये आपकी फिल का आउटपुट, ठीक है। थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेता हूँ तो आप देख पाओगे, दिख रहा है सबको? यस सर, ठीक है ना। तो ये तो सिंगल सिंगल है। अब एक्चुअल थ्री पॉइंट लाइटिंग क्या है कि तीनों को चालू करके एक साथ रेंडर निकाल दो, तो पहले हमेशा लेकिन सिंगल सिंगल ही चेक करो, उसके बाद फाइनल आउटपुट। जब आपको लगता है सिंगल सिंगल में लाइट अच्छी आ रही है, सब बढ़िया है, अब आप एक फाइनल आउटपुट भी निकाल लो जिसमें तीनों होगा। तो मैं इसको भी छोटा करके ऐसे अभी रख लेता हूँ और तीनों को मिनिमाइज कर दिया। किसी का माइक चालू है शायद, तो की लाइट चालू कर दी, फिल लाइट चालू कर दी और बैक लाइट चालू कर दी, तीनों लाइट चालू। दोबारा F9 से रेंडर, ये देखो आपका थ्री पॉइंट लाइटिंग हो गई, इसमें रिम भी आ गई, की भी आ गई जिससे शेडो अच्छी आ रही है और ये डार्क पार्ट भी थोड़ा सा विजिबल हो रहा है, ठीक है। इंटेंसिटी अगर आपको थोड़ी ज्यादा लग रही हो की लाइट की तो वो आप कम कर सकते हो, वो पता ही है आपको कैसे करना है, ठीक है। मैं थोड़ा जानबूझ के ज्यादा ही रख रहा हूँ ताकि आपको लाइटिंग दिख सके, क्योंकि मैं ग्रे मॉडल के ऊपर कर रहा हूँ, कोई टेक्सचर है नहीं इसमें, ठीक है।
अच्छा वो एक लाइट के ऊपर ही रेंडर कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये फिल है, ये रिम है, और ये की विथ ऑल 3 पॉइंट लाइटिंग, मतलब ये टोटल 3 पॉइंट लाइट। तो डिफरेंस समझ आ रहा है, टॉपिक भी समझ आया, सबको क्लियर हुआ यस सर। है ना? तो देखो बहुत इजी है, इसमें भी 3 पॉइंट लाइटिंग, कुछ ऐसा खास नहीं है, मतलब बस फंडा वही माया वाला यूज किया है मैंने, और लाइट के थोड़े से ऑप्शंस यूज किए हैं, जैसे प्रॉपर 3 पॉइंट लाइटिंग आपके सामने आ रही है। थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बस आप थोड़े से कलर यूज कर सकते हो, वो भी मैं जैसे दिखा देता हूँ कैसे, कि ये की लाइट सिलेक्ट करो, मॉडिफाई में जाओ, तो इसके मल्टीप्लायर के आगे ये लाइट का कलर होता है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा की लाइट में एक ऑरेंज टिंट डालता हूँ। ठीक है, हल्का सा रेंडर किया तो ये ऑरेंज टिंच आ गया उसमें। ठीक है, थोड़ा लाइट ही रखो, ज्यादा डार्क से फिर वो एकदम प्योर ऑरेंज इस तरीके से दिखने लगेगा, तो थोड़ा लाइट कलर से आप यूज करो, बस हल्का सा टिंच आ जाए उसमें, इसलिए। ठीक, इसके बाद रिम लाइट, रिम लाइट में मैं थोड़ा ब्लू टोन यूज करता हूँ, पहले देखते हैं डार्क कलर में कैसी लग रही है, तो उसको भी हल्का सा ये थोड़ा अजीब ही हो गया, थोड़ा सा लाइट ही यूज कर ब्लू में। ठीक है, अब थोड़ी सी इंटेंसिटी और बढ़ा सकते हो, क्योंकि कलर आ जाता है तो इंटेंसिटी में भी फर्क आना स्टार्ट हो जाता है, तो मैं थोड़ा 9 तक इंटेंसिटी ले जाता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, तो कलर आ जाएंगे तो थोड़ा लाइट में सेपरेशन दिखना भी स्टार्ट हो जाता है, कि ये टोटली रिम है और ये टोटली की है। ठीक है ना, क्योंकि तीनों लाइट का सेम कलर रहता है तो फिर क्या, लाइट मिक्स होती है, ब्लेंड होती है, तो ज्यादा डिफरेंस फिर पता करना मुश्किल हो जाता है। फिर इधर आते हैं आपकी फिल पे, इसमें मैं डायरेक्ट रेड कलर ही मार देता हूँ, देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये देखो आपका फिल का आउटपुट, इतना पार्ट पूरा फिल है। ठीक है, थोड़ा सा चाहो तो हल्की सी इंटेंसिटी बढ़ा लो, तो देखो ये साइड में पूरा जो रेड पार्ट है वो पूरा फिल का है। तो समझ में आई सबको बात? इसको भी थोड़ा सा अब डार्क कर ही लेते हैं, क्योंकि बाकी दो भी डार्क कलर ही हैं। और हल्की सी इसकी इंटेंसिटी में और बढ़ा लेता हूँ। तो समझ आई सबको बात? तो इस तरीके से कलर्स डाल के भी आप थोड़े वेरिएशन चेक कर सकते हो। तो सबको क्लियर है ये टॉपिक 3 पॉइंट लाइटिंग? ये बेसिक लाइट्स थोड़ी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो इसी के साथ हम कल मेंटल रे और ये सारी चीजें भी कनेक्ट करेंगे, तो थोड़ा आर्नोल्ड को अपने दिमाग में लेके चलना। अगर आपके दिमाग में एक रेंडर इंजन क्लियर है तो आप बाकी दो रेंडर इंजन को भी अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है ना, तो एक इस तरीके से, लेकिन एक बेसिक प्रैक्टिस भी ऐसे 3 पॉइंट लाइटिंग की कर लेना जिस तरह मैंने करी है, ताकि ये थोड़ा बेसिक लाइटिंग का भी आपको आइडिया हो जाए। ठीक है ना, तो चलो फिर आज का सेशन इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं कल बाय सर। नए टॉपिक के साथ। चलो बाय फिर, सर। बाय 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 सर। बाय बाय।